धातु से बना है चमत्कारी त्रिशूल। कितनी गहराई में है ये त्रिशूल आज तक कोई नहीं पता कर पाया इस मंदिर का रहस्य। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी के एक रहस्यमयी मंदिर की। सीमांत जनपद उत्तरकाशी माँ गंगा माँ यमुना का उद्गम स्थल, जहाँ लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में स्थित शक्ति स्तंभ की, जहाँ स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर शुभ और निशुभ नामक राक्षसों का अत्याचार जब बढ़ गया था, तब देवता मानव हर कोई परेशान होकर अपने जीवन की भीख मांग रहा था। देवता लड़ रहे थे, रक्त बीज होने के कारण नए राक्षस पैदा हो रहे थे। देवताओं ने माँ शक्ति की आराधना कर देवलोक के हर देवता से आराधना की और निष्कर्ष निकाला भोलेनाथ के द्वार का। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की व्यथा सुनकर तीसरे विकल्प पर सोचा और मां गौरी को दैत्यों के नाश, जिन्हें वरदान दिया कि आप मानव हित में सहयोग करें। और भगवान विष्णु ने अपना चक्र, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल और परशुराम ने अपना फरसा माता शक्ति को दे दिया। मां शक्ति ने स्वयंभू रूप में प्रकट होकर दैत्यों का संहार कर आदिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान हुई, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड अध्याय में भी वर्णित है, जिसमें कहा गया कि माँ भगवती कलयुग के अंतिम चरण में उत्तर की काशी यानी उत्तर काशी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के साथ शक्ति रूप में विराजमान रहेंगे। कलयुग में भगवान शिव शंकर उत्तर काशी में यानी कि उत्तर काशी में विराजमान है और वहीं पर बगल में माँ शक्ति विराजमान है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शक्ति स्तंभ यानी त्रिशूल के बारे में आपको बता रहे हैं कि आदिकाल से यहाँ विराजमान है और आज तक कौन सी धातु और कितना इसका वजन है कोई नहीं जान पाया। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ गोरखों के राज था, उस समय गोरखों की मंशा इस त्रिशूल को पशुपतिनाथ ले जाने की थी। इसी कारण उन्होंने इस त्रिशूल को खोदने को लेकर काम किया, पर खोदने के बाद उन्हें केवल पानी ही दिखाई दिया। फिर उन्होंने इसे ढक कर कह दिया कि हम हार गए हैं और भगवान शिव और गणेश की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की। ये उत्तरकाशी जो है काशी विश्वनाथ जी इस नाम से कहलाई है और यहाँ पर दो मंदिर जो हैं बहुत बड़े प्राचीन हैं, एक काशी विश्वनाथ जी का, एक शिव शक्ति का। वो शिव की शक्ति है, शक्ति तो खैर मां मात्र देवी के रूप में है, लेकिन वो शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति कैसे है, क्योंकि वो शक्ति जो है स्तंभ जो है उसके ऊपर त्रिशूल है और उसके ठीक उसके नीचे जो है फरसा है और ठीक उसी के नीचे जो है चक्र, सुदर्शन चक्र है। देवास इसकी जो कथा आती है वो देवासुर संग्राम जब हुआ था तब दैत्यों के वध करने के लिए देवताओं के द्वारा निर्मित शिव शक्ति के नाम का प्रयोग किया गया है और तब दैत्यों का इस धरती पर जो है संहार किया गया है। इसके देवी भागवत में इसकी कथा आती है कि ये जो है जब देवताओं का असुरों का संग्राम हुआ था तो देवता लोग थोड़ा सा सख्त अक्षम हो गए थे असुरों के सामने पे, क्यों दैत्य जो है दैत्य में जो है पराक्रम इतनी शक्ति थी कि उनके रक्त बीज से जो है कई दैत्य पैदा हो जाते थे, इसलिए जो है देवता लोग अल्प मत में आ गए थे। तो ये सब देवता लोग जो है यानी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, इन सब देवताओं ने यह कहा, आग्रह किया भाई शंकर जी हैं जो लोक के पति कैलाश पर्वत में रहते हैं उनके पास जन्म होगा, वही इसका जो है सहार का नाम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सब कैलाश में जा करके शंकर भगवान की आराधना की, आराधना करके जो है उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज ऐसा दैत्य जो है धरती पे लोग जो है दैत्य जो है नरसंहार कर रहे हैं और हम लोग जो है इसमें, इसलिए आपको जो उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम उसका उपाय बताएं, आप जो है जितने भी देवता लोग हैं वो अपनी अपनी शक्ति को अर्जित, मैं एक स्तंभ बनाना चाहता हूँ उसमें उस तरह उस अपनी दैत्य अपनी शक्ति का पुंज आप इसमें स्थापित कीजिए और उसमें जो वो त्रिशूल रूप में करके चक्र रूप में लेकर के और फरसा को लेकर के जो है फरसा फरसा जो है वो परशुराम जी का संहार करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। त्रिशूल जो है वो प्रतीक शंकर जी का है, चक्र जो है वो सुदर्शन का चक्र है, इसी से जो है उनका वध किया गया और तब स्वर्ग लोग से जो है इस धरती पे जो उस शक्ति का निर्माण आकर यहाँ पर, और इस शक्ति का जो स्तंभ जो है वो इतनी गहराई है इसका आज तक जो है किसी के द्वारा इसका प्रमाण नहीं हुआ। इस शक्ति स्तंभ की खास बात की है कि अगर आप बल से और घमंड से सहलाने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा,
पर भक्ति भाव से एक उंगली से छूने पर भी इसे हिलाया जाए और इसे हिलता हुआ महसूस किया जा सकता है। आप खुद देखिए इस चमत्कार। यह त्रिशूल इतना भारी विशाल वजनीय होने पे भी हम इसे श्रद्धा से भाव से एक उंगली स्पर्श करते हैं तो यह पूरा त्रिशूल देखेंगे आप ये मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। देखो ऊपर देखेंगे आप लोग तो श्रद्धा से इसे एक उंगली से हिलाऊंगा तो पूरा त्रिशूल मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। इसे ऊपर देखेंगे आप लोग। इस त्रिशूल में किसी भाषा में भी कुछ लेख मौजूद हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। स्कंद पुराण में भी इस दिव्य शक्ति स्तंभ का वर्णन मौजूद है। इसमें लिखा गया कि कलयुग में जब भगवान शिवशंकर वाराणसी को छोड़ 80 वरुणा को गंगा घाट के पास विराजमान होंगे तो इसका प्रमाण साक्षात यहाँ मिलेगा। अब इस मंदिर का रहस्य तो आज तक कोई नहीं कर पाया और ना ही इसका कोई रहस्य का सच बता पाया। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।